ये देखें आप रत्ती गली बेस कैंप के खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं ये देखें। और लोग जो है, कुछ लोग घोड़ों पे भी जाते हैं, यहाँ से पहुँच के बेस पॉइंट पर आते हैं, आने के बाद घोड़े करते हैं, और कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। तो मैं जाने वाला हूँ पैदल, मुझे हाइकिंग में बड़ा मज़ा आता है, इससे कुछ लोग जा रहे हैं, तो अपडेट करते रहते हैं आपका फर्दर। ये देखें आप हसीन नज़ारे रत्ती गली, अरे तैयार हो गए और मैं आपको अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस हाइकिंग हो गई स्टार्ट, ये लोग फोर्स कर रहे थे घोड़ा करने का, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो जाऊँगा पैदल हाइकिंग करते हुए, इनको दिखाता हूँ और इंशाल्लाह आप देखें नज़ारे, लोग जा रहे हैं और हम भी, आपको आगे जाके अपडेट करता हूँ। तो गाइस हाइकिंग जा रही हो सारी है, दिस इज़ नॉट अ इजी टास्क क्योंकि हाइट ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे होती है, सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव अपसाइड। तो बहरहाल लोग पैदल भी जा रहे हैं, घोड़े पे भी जा रहे हैं, जो चल सकता है वो चले और हाइकिंग के मजे ले। ये देखें पीछे आपको कैंप नज़र आ रहे होंगे, हमें वहाँ पे जाना है, तो लेट्स सी। देख सकते हैं आप पीछे मेरे हाइकिंग, बहुत सर्दी है लेकिन मैं कहना यार मैं टी शर्ट में रहूँगा और हाइकिंग करते हुए जाऊँगा, एक अलग ही टच है। तो सांस जो है थोड़ी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे है, तो लेट्स सी आपको रास्ते में अपडेट करता रहूँगा। हमारे साथ लोग थे वो काफ़ी पीछे रह गए बट मेरी हिम्मत नहीं आ रही, मैं चल रहा हूँ, एक्सरसाइज हो गई आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सी ये शांत रहेगा, जल्दी आ जा, लोगों को क्रॉस करता हुआ देख। गाइस देखें वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, आज अच्छी वाली एक्सरसाइज हो गई है, व्यू देखें नज़ारे देखें रत्ती गली के नज़ारे, और मैं वो कैंप था लगे में वहाँ से पैदल चलता हूँ यहाँ आ चुका हूँ, इंशाल्लाह मज़ा आएगा यार, हाइकिंग का मज़ा आ रहा है, हाइकिंग ही करनी चाहिए मैं कहता हूँ। ओह ठंड भी हो रही है, मिलता हूँ आपसे ऊपर चढ़ के। वाह यार ये देखिए नज़ारे, जन्नत के टुकड़े के नज़ारे। अभी मैं टॉप पे नहीं पहुँचा, पहुँचने वाला हूँ, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊँ मुझे मज़ीद कहाँ जाना है, वो देख लोग जा रहे हैं। ओह माय गॉड टू मच, कहाँ जाना है समझ रहा था, करीब होगा जैसे आप देख सकते हैं पास, और वहाँ पे जाना है ब्रो। ओह माय गॉड ये देखिए वो घोड़े, वहाँ तक जाना है भाई, बहुत दूर है, बस ही देखते हैं, दूर का सफ़र कर चुके हैं और फिर मजीद ऊपर चढ़ना है, तो वहाँ जाता हूँ और फिर आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस देखिए मेरे पीछे जन्नत के नज़ारे, वहाँ देखिए ग्लेशियर, और वो पीछे देखें जहाँ घोड़े चलते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, वहाँ जाना है। ओह माय गॉड टू लॉन्ग, देखते हैं अल्लाह वाले के कहाँ तक जा सकते हैं, अपने लोगों का वेट कर रहा हूँ साथ अच्छे, तो बहुत ही खूबसूरत गिरफ्ती गली के नज़ारे भाई, लोग देखे किस तरह से मेरे बैग के देखे जा रहे हैं। गाइस रास्ता रह गया थोड़ा, मेरे घर वाले तो कुछ ने घोड़ा कर लिया है पहुंचते और आपको परफ्यू दिखाते मैं कहां से आया हूं, क्या कर रहे हैं यार, बस हो गई माय गॉड सो मच गाइस, फिर तो टॉप पे जाके मिलता आपसे। यस गाइस फाइनली
वो देखे कहाँ से हाइकिंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट पहुंच गए हैं सी चक्कर वो वहां है इंशाल्लाह। रात है ना हमारे ड्राइवर भाई कह रहे थे आसान नहीं है बच्चों को खेल लिए उनको मैंने भी कहा था भाई कश्मीरी खून है तो मजाक बात नहीं पहुंच गए देखें आसमान वेदर हो माय गुडनेस ये जन्नत के नज़ारे हैं ब्रदर जन्नत के नज़ारे हैं मेरे बैक साइड पे देख हाँ जाके आपको पॉइंट दिखाते हाँ नीली पहुँच गए अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना किसी जन्नत के नज़ारे से कम नहीं है ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ तैयार रहिएगा थोड़ा सा भी ये देखें सी यार वो सामने बैठे ना ब्यूटी कश्मीर हो वाह अल्लाह अकबर ऑक्सीजन की कमी है ये है रत्ती गली यार माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह पाक की कुदरत ये है कश्मीर जन्नत का टुकड़ा ये देखिए मैंने जूम किया ग्लेशियर्स देखें वो देखें सामने ग्लेशियर्स यार सुभान अल्लाह मैंने फर्स्ट टाइम कोई इतनी खूबसूरत जगह देखी अपनी लाइफ में जो लोग कहते हैं कश्मीर जन्नत का टुकड़ा है आज मैंने देख लिया माशाल्लाह ये देखें आप लोग देख सकते हैं गाइस कश्मीर इतना खतरनाक सफ़र हम तय करके आए मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन जब यहाँ पर आए तो अंदाज़ा हुआ यार वो सफ़र जो है ख़तरनाक ज़्यादा था लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये नज़ारे ये हसीन नज़ारे माशाल्लाह जन्नत का टुकड़ा माशाल्लाह मज़ा आ गया यार होए गाइस मेरी खुशी का अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते कि इतने ख़तरनाक सफ़र तय करके जो मैं यहाँ आया हूँ वाह यार जन्नत का टुकड़ा देख लिया मैंने आज अपनी ज़िंदगी में ओ माय गॉड रत्ती गली सुभान अल्लाह माशाल्लाह तो गाइस ये था आज का व्लॉग रत्ती गली का और होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और ये जो नज़ारे मैंने आपको दिखाए पूरी दुनिया में ऐसा नज़ारा कहीं नहीं है भाई मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द अर्थ इन माय ओपिनियन रत्ती गली सुभान अल्लाह माशाल्लाह गाइस तो हमारा टूर भी यहाँ एंड होता है ये हमारा आखिरी प्लेस था इसके बाद हम वापस जाएंगे तो हमारा टूर का इख्तिताम यहाँ पे हुआ होपफुली आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा इस टूर को हमारे साथ तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करूँ तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।